ये माँ का कलेजा होता है ना। बोले जब जब वो याद, ये माँ है ना बेटे को पीटना नहीं चाहती, लेकिन जब कभी पीटना पड़ जाए ना तो बेटा तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो, पूरे दिन रोती है। बोले लाला बादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, मैं बहुत दुखी होती हूं। तू यूं कह जा मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया तेरे बांधवे में जो सुख मुझे मिलियो ऐसो सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलियो। तू बार बार मुझे बांधे और बार बार मैं तेरे आंगन में आऊं मुझे बहुत सुकून मिला, ऐसा कभी मत सोचना कि तेरे बांधने से मुझे दुख हुआ। अरे माँ तेरे प्यार में जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, नौ मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, ही बेटा कोई माँ से रूठे ही माँ सौ सौ बार मना, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। माँ एक ऐसा देवता है इस धरती पर, मंदिरों में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरो बेटा पढ़ जाए, मेरो बेटा ठीक रहे, मेरे बेटा को ब्याह है जाए, मेरे बेटा को ऐसे है जाए। और ऐसी माँ के ऐसे देवता को भी जब जवानी में आने पर और उस बड़े बूढ़े देवता को जब लोग ये कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मुझे उनकी जीभ काटने का मन होता है। अरे तुमसे उनकी सेवा नहीं बन रही तो कम से कम ऐसे जहरीले शब्द तो न बोलो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। पता है माँ बाप ने उन दिनों पालन पोषण किया था जब हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी थी, दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से चाकी से पीस पीस करके हम लोगों को पढ़ाया और बड़ा किया, और अब हमारे पास सारी सुविधा होने पर भी हमें वो माँ बाप अखर जाते हैं। और ऐसे देवता को जिसने पूरी जिंदगी बार दी, पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे देवता को जो लोग दुखी दुख देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, माँ बाप जो है गरीबी में रहे पहले और औलाद अमीर हो जाती है तो भी माँ बाप तो गांव में गरीबों के गरीब ही रहता है, क्योंकि वे जब कुछ करते हैं तो अपनों अलग जाके शहर में करेंगे जन कहाँ करेंगे, माँ बाप तो गांव के बई फूटे मड़ा में और बई गरीबी में बई छोटे सेवा में जीवन में गुजारा करते हैं। वे कभी नहीं कहते कि तेने फोर व्हीलर ले ली तो एक मोह कूद है, तेने फॉर्चूनर ले रही है तो वो नहीं कहते कि मोका एक छोटी सी दे देना, बस भैया अच्छा लगा तो जब तू ले तो है ना।
लेकिन दुख तब होता है कि वो अभी भी गरीबी में 2-4 किलो घी बना करके और उसकी फॉर्चूनर में रखती है और वो नालायक उसके हाथ पर 2-4 हजार रुपए भी धर के नहीं जाता। दुख तो तब होता है। टोकने वाले टोकते हैं तो झूठ बोल देती है, पूछते पूछने वाले पूछते तो कछु देगो है? का देगो, क्या कहती है पता है? बापे खुले नहीं होंगे, बापे होंगे नहीं जा समय। अब जो मोबाइल फोबाइल वो रखता है तो बेसे हतना है, बापे छुपाती है। लेकिन वो कपूत फिर भी समझता नहीं है कि तेरे लिए उसने क्या किया और तू उसके साथ क्या कर रहा है। इसको कहते हैं कृतज्ञता का दोष। उस औलाद को एक दोष लगता है जो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी औलाद उससे भी ज्यादा भयंकर करेगी जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखो। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं जिनको बेटा शराबी है, जुआरी है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन बिनते जाके पूछो क्या कहती पता है? वैसी दुनिया बदनाम कर रही है, मियो बेटा ऐसो हद हो रही है, दुनिया वैसे ही बदनाम कर रही है। वो तो यहां तक कर रही है और ये कपूत का कर रहे हैं। ये कपूत ऐसे देवता को, ऐसा ऐसा ढक्कन डालने वाले को भी जो नहीं समझ पावे, उसे प्रकृति क्षमा नहीं करती, परमात्मा क्षमा नहीं करता। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
भूल कर सारे शिकवे हिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे हिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। नौ मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। कुष्मा को शीश झुकाता। Oh,